नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जस्ट नॉलेज पर। मैं हूं कुमार विनय और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रधानमंत्री के बारे में। प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर, आपको पता ही होगा कि हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी। इसके पहले जो प्रधानमंत्री थे माननीय मनमोहन सिंह। तो हम लोग केंद्रीय कार्यपालिका के बारे में बात कर रहे थे, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पदाधिकारी होते हैं जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन दोनों के बारे में हम लोगों ने पिछले दो वीडियो में बात कर ली है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रधानमंत्री के बारे में, यानी कि प्रधानमंत्री के पास कौन कौन सी शक्तियां होती हैं, इनकी नियुक्ति किस प्रकार से होती है, इन सारे चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी बात कर लिया है कि हमारे देश में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय व्यवस्था में दो लोग होते हैं मुख्य रूप से कार्यकारी, पहला हमारा होता है राष्ट्रपति और दूसरा हमारा होता है प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रपति के बारे में मैंने आपको यह बताया था कि राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है, इसके पास में वास्तविक रूप में कोई शक्तियां नहीं होती है। तो यह आप लोगों से मैंने बात की थी पहले ही। लेकिन जो हमारे देश में संसदीय व्यवस्था को अडॉप्ट किया गया है उसका जो मुख्य रूप से प्रमुख होता है वह हमारा प्रधानमंत्री होता है। तो यह आपको पता भी होगा, आप लोग न्यूज़ में भी पढ़ते होंगे, टीवी चैनल्स को भी देखते होंगे, तो आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति केवल अवार्ड समारोह में या यदा कदा ही कहीं पर दिखाई देते हैं। ज़्यादातर जो चर्चा में रहते हैं वह प्रधानमंत्री ही रहते हैं और वर्तमान में जो प्रधानमंत्री है वो तो कुछ ज़्यादा ही चर्चा में रहते हैं। तो प्रधानमंत्री के बारे में हमें बात करनी है तो यहाँ पर इतना ध्यान रखिएगा कि जो हमारा राष्ट्रपति होता है वह हमारे राज्यों का प्रमुख होता है, जबकि जो हमारा प्रधानमंत्री होता है वह सरकार का प्रमुख होता है, यानी कि वर्तमान में जो केंद्र में सरकार कार्य कर रही है उसका प्रमुख होता है हमारा प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री के बारे में ये थोड़ी सी जानकारी थी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि यह जो प्रधानमंत्री का पद होता है यह कोई व्यक्ति किस तरह से प्राप्त करता है, या जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति किस प्रकार से होती है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे आर्टिकल 75 यानी कि अनुच्छेद 75 के बारे में। अनुच्छेद 75 में यह बताया गया है कि जो हमारे देश का प्रधानमंत्री होगा उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। क्या कहा गया है अनुच्छेद 75 में कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अब इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि राष्ट्रपति महोदय के पास में यह शक्ति है कि वह किसी व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को चाहे उसको प्रधानमंत्री बना दे। जैसे कि यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि राष्ट्रपति के पास में यह अधिकार है कि वह किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति ऐसे ही किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर सकता है। आपको पता होगा कि प्रत्येक 5 सालों के बाद में हमारे देश में लोकसभा चुनाव होते हैं। लोकसभा चुनाव में जो दल बहुमत को प्राप्त करता है उसके बाद में बहुमत का नेता चुना जाता है, यानी कि उस दल का नेता चुना जाता है, और जो नेता चुन करके आता है उसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। तो यह आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर एक सवाल यह उठता है कि मान लीजिए कोई चुनाव हुआ उसके बाद में यहाँ पर किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है, यानी कि जैसे वर्तमान में लगभग 282 सीटें चाहिए बहुमत के लिए, अगर किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है या किसी गठबंधन के दल को भी बहुमत नहीं मिला है, उस स्थिति में राष्ट्रपति के पास में विवेकाधिकार होता है, राष्ट्रपति के पास में यह अधिकार होता है कि वह अपने विवेक के अनुसार किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। लेकिन इसमें भी एक प्रायोरिटी दी जाती है राष्ट्रपति के द्वारा उस दल को जिसने सर्वाधिक सीटें जीती हैं। जैसे मान लीजिए कोई दल हुआ जिसके पास में 245 सीटें हैं या 200 के आसपास सीटें हैं, तो उस दल को राष्ट्रपति बुला सकता है और उस दल के प्रमुख को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर सकता है। ऐसा पहली बार कब किया गया था? ऐसा पहली बार किया गया था 1979 में किया हुआ। देखिए 1977 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, किसकी?
मुरारजी देसाई की। मुरारजी देसाई की जो सरकार थी वह 1979 में गिर गई। उसके बाद में राष्ट्रपति ने जनता पार्टी की सरकार के पतन के बाद में जो चौधरी चरण सिंह थे, जो कि गठबंधन के नेता थे, इनको उन्होंने प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। इसी प्रकार से एक घटना का जिक्र मैं और करना चाहूँगा। क्या हुआ कि 1984 में जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई, हमारे देश के पहले महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जब मृत्यु हुई, तो उस समय ज्ञानी जैल सिंह ने राजीव गांधी को नियुक्त कर दिया था प्रधानमंत्री के रूप में। बाद में जो संसदीय दल है कांग्रेस का, उसने उनको चुना अपना नेता, लेकिन उन्होंने, राष्ट्रपति महोदय ने, बिना संसदीय दल के नेता चुनने के पहले ही राजीव गांधी को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया था। तो इस तरह से आपने देखा नियुक्ति के बारे में। आपसे मान लीजिए कोई पूछ लेता है कि राष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, तो इसके लिए क्या क्या प्रोविजन हो सकते हैं। तो यहां पर पहला मैंने आपको क्या बताया कि इसके लिए जो लोकसभा के बाद में सबसे बड़ी पार्टी होती है उसका जो नेता होता है उसे राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया जाता है। अगर कोई भी पार्टी स्पष्ट रूप से बहुमत को नहीं प्राप्त कर पाई है, उस स्थिति में राष्ट्रपति के पास में यह विवेकाधिकार होता है कि वह सबसे बड़े दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करे। तो ये चीजें हम लोगों ने देख ली। अब यहां पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सबसे बड़ा दल होता है उसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में उसके नेता को नियुक्त करता है। इसी संबंध में 1980 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया और उन्होंने यह बताया कि कोई व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री नियुक्त होता है तो प्रधानमंत्री नियुक्त के बाद में ही उसे सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना होगा। मतलब यह है कि अगर स्पष्ट बहुमत किसी पार्टी को नहीं मिला है तो उसके पहले भी उस पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। ऐसा निर्णय दिया 1980 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने। इसी संबंध में एक निर्णय और है। हम लोग बात करते हैं 1997 में क्या हुआ कि यहां पर उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय यह सुनाया कि मान लीजिए जैसे हमारे यहां संसद में दो सदन होते हैं, एक हमारा हो गया लोकसभा, दूसरा हमारा हो गया राज्यसभा। तो 1997 में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि कोई भी व्यक्ति जो सदन का सदस्य नहीं है, ना तो वह लोकसभा का सदस्य है ना ही राज्यसभा का सदस्य है, वह 6 माह के लिए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हो सकता है। जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, हालांकि यह दो जगह से लोकसभा की सीट जीते थे, एक गुजरात से एक उत्तर प्रदेश से, तो इनके बारे में नहीं, लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा नेता हुआ जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होने के पूर्व किसी भी सदन का मेंबर नहीं है, सदस्य नहीं है, उस स्थिति में उसे 6 माह का मौका दिया जाता है कि 6 माह के भीतर आप किसी सदन का सदस्य बन जाइए, अदरवाइज आपको प्रधानमंत्री के पद से बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो इसीलिए यह जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति प्रधानमंत्री नियुक्त हो रहा है वर्तमान में वह किसी सदन का, किसी भी सदन का मेंबर हो, तो यह जरूरी नहीं है। तो यह हम लोगों ने नियुक्ति के बारे में सारी बातें कर ली। शपथ, पदावधि और वेतन के बारे में अब थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो शपथ, जैसा कि आपको पहले भी पता होगा कि जो हमारा देश, हमारे देश का प्रधानमंत्री होता है वह राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेता है। शपथ के बारे में आपको पता ही होगा, आप लोगों ने टेलीविजन पर देखा भी होगा कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्य रखूंगा, इस तरह से शपथ लिया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति के समक्ष। तो किसी छोटे एग्जाम में या वनडे एग्जाम में यह पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री किसके समक्ष शपथ लेता है, तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति के समक्ष। फिर बात करते हैं पदावधि, जो कि महत्वपूर्ण है। पदावधि के बारे में बात की गई है कि जो हमारे देश का प्रधानमंत्री होता है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण कर सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि राष्ट्रपति जब चाहे किसी व्यक्ति को पीएम के पद से हटा दे। जब तक उस व्यक्ति का अस्पष्ट बहुमत है लोकसभा में, तब तक उस व्यक्ति को
प्रधानमंत्री के पद से राष्ट्रपति हटा नहीं सकता है। यह बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब तक किसी दल का सदन में बहुमत है तब तक उस दल के प्रमुख को यानी कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति हटा नहीं सकता है। इसके अलावा अगर प्रधानमंत्री चाहे तो किसी भी समय राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दे सकता है और अपने पद का त्याग कर सकता है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं वेतन और भत्तों के बारे में तो यह संसद के द्वारा निर्धारित होती है। प्रधानमंत्री का वेतन और भत्ता क्या होगा यह संसद के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कार्य और शक्तियों के बारे में। तो प्रधानमंत्री महोदय के कार्यों को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला हमारा हो गया मंत्रिपरिषद के संबंध में, राष्ट्रपति के संबंध में और संसद के संबंध में। एक एक करके हम लोग समझते हैं कि कार्य और शक्तियां क्या है हमारी प्रधानमंत्री की। सबसे पहले प्रधानमंत्री, नाम पे थोड़ा गौर करिएगा, क्या नाम है इनका, प्रधानमंत्री, लास्ट में मंत्री लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी एक मंत्री ही है लेकिन उन सारे मंत्रियों में ये प्रधान है यानी कि मुख्य है। तो उसी प्रकार से जो केंद्र सरकार के अंतर्गत अन्य मंत्री होते हैं उन सारे मंत्रियों की नियुक्ति जो होती है वह प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के कार्यों में आपने पढ़ा था कि प्रधानमंत्री के अलावा जो अन्य मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है लेकिन राष्ट्रपति के पास में यह विवेकाधिकार नहीं है कि किसी व्यक्ति को भी मंत्री नियुक्त कर दे। प्रधानमंत्री इस मामले में सलाह देता है राष्ट्रपति को और उसकी सलाह के बाद ही राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को मंत्री के रूप में नियुक्त करता है। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात और है, उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। जिस प्रकार से हम लोगों ने अभी देखा कि प्रधानमंत्री के लिए यह जरूरी नहीं है कि किसी सदन का वह सदस्य हो, उसी प्रकार से मंत्री के लिए भी यह आवश्यक नहीं है कि वह किसी सदन का सदस्य हो। जिस प्रकार से आपने देखा था कि जो हमारी वर्तमान में मंत्री हैं, जो कि टीवी एक्ट्रेस भी रह चुकी हैं, स्मृति ईरानी, तो स्मृति ईरानी जो कि कांग्रेस के जो मुख्य नेता हैं राहुल गांधी, उनके खिलाफ इलेक्शन में उन्होंने शामिल हुई थी लेकिन वो हार गई थी, उसके बावजूद उन्हें मंत्री बना दिया गया और बाद में उन्हें राज्यसभा भेज दिया गया। तो यहाँ पर आपको यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह किसी सदन का सदस्य हो, उसी प्रकार से मंत्रियों के लिए भी आवश्यक नहीं है कि वह किसी सदन के सदस्य हो लेकिन 6 माह के अंदर उन्हें किसी सदन का सदस्य होना पड़ता है। उसके अलावा मंत्रियों की नियुक्ति कर दी एक बार प्रधानमंत्री ने, उसके बाद में उनके मंत्रालय का आवंटन किया जाता है यानी कि किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा, किसको रेल मंत्रालय मिलेगा, किसको गृह मंत्रालय मिलेगा, किसको रक्षा मंत्रालय मिलेगा, इसके बारे में भी विभागों का जो आवंटन होता है वह प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। प्रधानमंत्री किसी मंत्री को त्यागपत्र लेने के लिए कह सकता है कि आप अपने पद को छोड़ दीजिए। उसके अलावा वह राष्ट्रपति के माध्यम से उस किसी भी मंत्री को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है। फिर बात आती है कि मंत्रिपरिषद की जो बैठकें होती हैं उनकी अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जाती है और अगर कभी देश का जो प्रधानमंत्री है वह त्यागपत्र देता है तो उसके त्यागपत्र देने से जो संपूर्ण मंत्रिमंडल है वह बर्खास्त हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, ये हमारे हो गए पीएम, ये हमारे हो गए अन्य मंत्री। अगर पीएम अपने पद से त्याग देता है तो पूरा जो मंत्रिमंडल है वह समाप्त हो जाएगा लेकिन अगर कोई मंत्री अपने पद से त्याग देता है तो केवल उस मंत्री का पद रिक्त होगा, उसके स्थान पे कोई अन्य मंत्री बन सकता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े अगर हम लोग राष्ट्रपति के संबंध में शक्तियों के बारे में बात करें तो प्रशासन और विधान संबंधी जितने भी विषय हैं, जितने भी कार्य किए जाते हैं केंद्र सरकार के द्वारा, उन सभी कार्यों के बारे में प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति की सूचना देनी होती है। इसके अलावा जो उपरोक्त चीजें हम लोगों ने अभी बात की प्रशासन और विधान संबंधी विषयों के बारे में, उनकी जानकारी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मांग भी सकता है यानी कि राष्ट्रपति को ये सारी जानकारी प्रधानमंत्री को देनी होती है। अगर प्रधानमंत्री ने नहीं दिया तो राष्ट्रपति इसके बारे में उनसे मांग भी सकता है। इसके अलावा जो हमारे देश के विभिन्न पदाधिकारी होते हैं जिनके बारे में हम लोगों ने बात की थी, जैसे महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो गए, महान्यायवादी हो गए, संघ लोक सेवा के
अध्यक्ष हो गए, उसके सदस्य हो गए, चुनाव आयुक्त हो गए, वित्त आयोग के सदस्य हो गए या उसके अध्यक्ष हो गए, इन सभी की जो नियुक्ति होती है वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। आप यहाँ पे कह सकते हैं सलाह शब्द लिया गया है, लेकिन प्रधानमंत्री जिसे चाहता है उसी को नियुक्त करने की आदेश देता है राष्ट्रपति को। तो मंत्रिपरिषद की सारी शक्तियां हम लोगों ने जान ली, राष्ट्रपति के संबंध में जान ली। अब बात करते हैं संसद के संबंध में। संसद के संबंध में प्रधानमंत्री की शक्तियां यह है कि वह राष्ट्रपति को संसद का जो सत्र है उसको बुलाने के लिए कह सकता है जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो। इसके अलावा अगर संसद का सत्र चल रहा हो तो उसे वह सत्रावसान करने के लिए भी राष्ट्रपति से कह सकता है। इसके अलावा वह लोकसभा को विघटित करने की भी सिफारिश कर सकता है, डिजॉल्व करने की सिफारिश कर सकता है राष्ट्रपति से, और सरकार की नीतियों की घोषणा भी कर सकता है। संसद में सरकार के द्वारा जो भी नीतियां चलाई जा रही हैं, जो भी कार्य किए जा रहे हैं, उन सारी चीजों के बारे में वह घोषणा कर सकता है संसद में। इसके अलावा कुछ अन्य शक्तियां भी होती हैं प्रधानमंत्री की, जैसे कि जो हमारे देश में विभिन्न आयोग होते हैं, जैसे हम बात करें योजना आयोग जो कि वर्तमान में नीति आयोग बन चुका है, राष्ट्रीय विकास परिषद की बात करें, राष्ट्रीय एकता परिषद की बात करें, अंतर्राज्यीय परिषद की बात करें, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की बात करें, तो इन सारे परिषदों और आयोगों का अध्यक्ष होता है कौन? हमारे देश का प्रधानमंत्री। इसके अलावा यह सरकार का मुख्य प्रवक्ता भी होता है, हालांकि वर्तमान में सरकार के मुख्य प्रवक्ता के बारे में आपको पता होगा संबित पात्रा, जो कि हर टेलीविजन के न्यूज चैनल पर हमेशा छाए रहते हैं और सरकार की नीतियों के बारे में लोगों को बताते हैं। आपदा प्रबंधन का प्रमुख होता है। आपदा प्रबंधन का प्रमुख मतलब क्या हुआ? मान लीजिए कोई आपातकाल आ गया या कोई राष्ट्रीय आपदा आ गई, उस स्थिति में जो आपदा प्रबंधन होगा उसका प्रमुख भी हमारा प्रधानमंत्री होता है। इसके अलावा सत्ताधारी दल का यह नेता भी होता है और सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख भी होता है। तो ये सारी चीजें थी हमारे प्रधानमंत्री के बारे में। बहुत सारी चीजें हमको नहीं बात करनी है यहाँ पर, क्योंकि अगला जो अध्याय केंद्रीय मंत्रिमंडल के बारे में उसमें भी हम लोग प्रधानमंत्री के कुछ शक्तियों के बारे में बात करेंगे। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हमारे देश का प्रधानमंत्री होता है वह एक मंत्री ही होता है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के अंदर प्रधानमंत्री भी आता है। बस बात केवल इतनी होती है कि वह उसका प्रमुख होता है। तो आज की इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। आपने वीडियो को अपना समय दिया, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर द लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत।